एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वाउ स्किन साइंस के विटामिन सी रेंज का रिव्यू। इसमें टोटल 4 प्रोडक्ट्स है मेरे पास, जिसमें एक फेस वॉश, एक फेस सीरम, एक फेस मिस्ट और एक फेस क्रीम है मेरे पास। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने लास्ट 15 डेज तक ट्राई किए हैं, ऑनेस्टली ट्राई किए हैं, और दिन में 2 बार इन्हें अप्लाई किया है, एक बार सुबह और एक बार रात को। तो अब मैं फाइनली आपको अपना रिव्यू दे सकती हूँ कि मुझे ये पसंद आया है या नहीं आया है, और आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप डेफिनेटली एंड तक देख के चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे जरूर क्लिक कर लेना, और साथ में ऑल पे भी क्लिक कर लेना, ताकि मेरी ऐसी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच जाएगी। और मेरा एक और चैनल भी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डेफिनेटली उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको वाउ स्किन केयर की मेंशन करना चाहती हूँ। ये सारे के सारे प्रोडक्ट पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, और इसमें कोई भी एडेड फ्रेग्रेंस या कलर इन्होंने ऐड नहीं किया है। ये जो ब्रांड है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसके सारे प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्रुएल्टी फ्री है, वेगन भी है, तो इतने सारी चीजें हैं, और साथ के साथ मेड इन इंडिया भी है। सो अगर आप एक ऐसा ब्रांड ट्राई करना चाहते हैं जिसमें आपको इतनी सारी क्वालिटीज मिल रही है, तो आप डेफिनेटली ऐसे प्रोडक्ट्स जरूर ट्राई कीजिए, आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर पसंद आ ही जाएगा। इस वीडियो में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो हो सकता है कि आपकी स्किन पे ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं किए हो, आपने कभी ट्राई किया हो और मेरी स्किन पे वर्क किए हो, और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो मैं बताऊं कि मेरी स्किन पे ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं किया और आपकी स्किन पे वर्क किया हो। तो एक चीज मेंशन कर दूं कि हर एक स्किन टाइप अलग अलग होता है। किसी की स्किन ड्राई के साथ साथ सेंसिटिव होती है, तो किसी की सेंसिटिव होती है लेकिन इतनी ज्यादा ड्राई नहीं होती है, और इतनी एक्ने प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है। तो इसीलिए हर एक स्किन टाइप अलग अलग है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप यूज करते हैं जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो जरूर आप उससे पहले एक बार पैच टेस्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फर्स्ट प्रोडक्ट की। सो ये एक फेस वॉश है, ये है वाव ब्राइटनिंग विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश विद बिल्ट इन फेस ब्रश। सो ये एक बिल्ट इन फेस सिलिकन ब्रश के साथ आता है, जो बहुत ही कन्वीनियंट है यूज करने में। अगर इसकी आउटर पैकेजिंग की बात करें तो इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, बहुत ही इजी पीजी पैकेजिंग है इसकी, और इस पैकेजिंग के ऊपर हर एक चीज मेंशन की हुई है, जैसे कि इसके अंदर की पैकेजिंग के ऊपर है। अगर इसके अंदर की पैकेजिंग की बात करें सो इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। इसमें आपको ऐसा ब्रश मिल जाता है और ऊपर से आपको इसका कवर भी मिलता है, सो दैट अगर आपको कभी भी ट्रैवलिंग पर्पस के लिए यूज करना है, आप डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा, और ये प्रेस होके आपके प्रोडक्ट बिल्कुल भी मैसी नहीं होगा। अगर इसके वैसी क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही स्टर्डी सी पैकेजिंग है, प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है, यूज करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। जब भी आपको इसे यूज करना है, आपको अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर लेना है वाटर से, एंड देन ये ब्रश को रिमूव करके, इसके आउटर पैक इसको कवर को रिमूव करके आपको इसे प्रेस करना है, एंड सर्कुलर मोशन में 2 बारी भी प्रेस करेंगे तो बहुत सारा प्रोडक्ट निकल जाता है, और आप इसे फेस पे और नेक तक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से आपके फेस के जितने भी डर्ट एंड डस्ट है उसे रिमूव कर देता है। मेरा जो इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा रहा है कि मैं इसे डेली बेसिस पे 2 बार यूज़ करती हूँ। एक सुबह उठते ही जब मैं फेस वॉश करती हूँ तो मैं इसी से फेस वॉश करती हूँ, एंड रात को सोते टाइम जब भी मेरे फेस पे अगर शायद सनस्क्रीन भी हो या फिर बीबी क्रीम भी हो, उसे भी रिमूव करने के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। ईजिली मेरे मेकअप को भी रिमूव कर देता है, अगर बहुत थोड़ा सा होता है या फिर जितने भी फेस पे डर्ट एंड डस्ट होती है, कभी भी हम बाहर से आते हैं तो उसे बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल ऑरेंज जैसी, एकदम सिट्रसी सी फ्रेग्रेंस है। सो अगर आपको ऑरेंज की फ्रेग्रेंस पसंद है तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही फ्रेग्रेंस इस प्रोडक्ट में से आती है। जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है और अच्छे से फेस क्लीन भी हो जाता है। अगर इसके प्राइस की बात करें सो दिस रिटेल्स फॉर ₹399, और इसमें आपको 100 ml क्वांटिटी मिल जाती है। सो द नेक्स्ट एंड माई फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस रेंज इज दिस वाव विटामिन सी स्किन मिस्ट टोनर। ये जो टोनर और मिस्ट है पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है इस पूरी रेंज में से। इससे पहले भी मैं बहुत अलग अलग टोनर्स अप्लाई कर चुकी हूँ, यूज कर चुकी हूँ, और उसमें से ये अभी तक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। सबसे पहली बात, इसमें आपको क्वांटिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, और जैसे आप इसे अपने फेस पे स्प्रिट्स करते हैं बहुत ही रिफ्रेश्ड फील होता है, क्योंकि इसमें आपको विटामिन सी मिल रहा है, क्योंकि ऑरेंज में बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी होता है। तो एग्जैक्टली इसकी भी फ्रेग्रेंस बिल्कुल ऑरेंज जैसी है, आपके फेस को बहुत रिफ्रेश फील कराती है। अगर इसकी
क्वांटिटी की बात करें तो इसमें आपको 200 ml क्वांटिटी मिलती है, आपके बहुत लंबे टाइम तक चल जाएगी। अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ऐसी कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है और सारी की सारी चीजें इसके ऊपर मेंशन है। सो अगर इसकी इनर पैकेजिंग की बात करें तो इस तरीके की सी थ्रू पैकेजिंग में आता है, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी। आपको पता लगता है कि आपका कितना प्रोडक्ट और बचा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है ये। अगर इसके कैप की बात करें तो ऊपर आपको जो कैप मिलती है वो बहुत ही स्टर्डी है, अगर लॉक आप एक बार कर लेंगे तो बिल्कुल भी आराम से रिमूव नहीं होगी, तो ट्रैवलिंग पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर इसके स्प्रे पॉइंट की बात करें तो इवनली आपके फेस पे अच्छे से स्प्रे हो जाता है, ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ही प्रोडक्ट निकल गया है, इवनली स्प्रेड होता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसकी पैकेजिंग पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अगर इसके एमआरपी की बात करें तो इसमें आपको 399 का ये प्रोडक्ट मिलता है जो इसका एमआरपी है, बट हमेशा आपको इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे नायका, अमेजोन और शायद purple.com पे भी डिस्काउंट में मिलता रहता है, तो आप डेफिनेटली इन सारी चीजों को चेकआउट करके ये चीज परचेज कर सकते हैं। अगर मेन इसकी क्वांटिटी की बात करूं तो 200 ml क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी है एक मिस्ट के लिए, और ये 100% एल्कोहल फ्री है, तो आप डेफिनेटली अगर कोई एल्कोहल फ्री वाला टोनर और मिस्ट यूज करना चाहते हैं आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर। सो अगर इस प्रोडक्ट के बारे में फाइनली आपको बताऊं तो डेफिनेटली मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया। मैं इसे दिन में कम से कम 3-4 बार आराम से अपने फेस पे स्प्रे कर लेती हूँ, तब भी अभी तक ये बहुत ही कम यूज हुआ है, सिर्फ इतना ही यूज हुआ है, तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी, अफोर्डेबल प्राइस में भी है और बहुत अच्छे से रिफ्रेश फील भी कराता है। सो द थर्ड प्रोडक्ट दैट आई हैव इज दिस वाव 20% विटामिन सी फेस सीरम। ये जो फेस सीरम है ये एक ऑयल फ्री फेस सीरम है, बिल्कुल भी आपके फेस पे बाद में ऑयली नहीं लगेगा। अगर इसकी भी पैकेजिंग की बात की जाए, ये भी ऐसी कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, इसका एमआरपी है 699, बट हमेशा की तरह आपको ये भी डिस्काउंट में मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसमें आपको टोटल 30 ml क्वांटिटी मिलती है, और इसकी अगर इनर पैकेजिंग की बात की जाए तो ये एक ग्लास बॉटल में आता है, इसमें आपको पंप सिस्टम मिलता है, तो जितने भी ज्यादातर मैंने अभी तक फेस सीरम्स ट्राई किए हैं विटामिन सी फेस सीरम, वो ज्यादातर ऐसे कंटेनर्स में ही आते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा रहता है ये यूज करना। और इसके अगर पैकेजिंग के ऊपर कैप की बात करें तो ऊपर एक इस तरीके की कैप मिल रही है आपको, और यहाँ पे आपको पंप सिस्टम मिल रहा है। अगर इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो बहुत ही लिक्विडी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगता है, इजीली आपके फेस में एब्जॉर्ब हो जाता है। एक पॉइंट बस मुझे उसका थोड़ा सा अजीब लगा, जैसे मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ थोड़ा सा स्टिकी लगता है मुझे थोड़ी देर के लिए, इसमें भी बिल्कुल ऑरेंज जैसी ही फ्रेग्रेंस है, तो जैसे ही अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ थोड़ा सा स्टिकी लगता है, उसके बाद जब मैं मॉइस्चराइजर या फिर सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ तो थोड़ी देर बाद एकदम नॉर्मल हो जाता है, और थोड़ी देर के लिए आपको स्टिकी लग सकता है। ये जो विटामिन सी सीरम है ये इसमें आपको मिलता है विटामिन सी विथ हेजल एक्सट्रैक्ट और हेलुरोनिक एसिड, ये हेल्प करते हैं आपके फेस को रिफ्रेश फील कराने में और आपके फेस का जितना भी कॉम्प्लेक्शन है उसे ब्राइटन अप करने में। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आपके फेस के कॉम्प्लेक्शन को ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम से डस्की हो और वो फेयर हो जाएगा, बट अगर आपको थोड़ी सी ब्राइटनिंग इफेक्ट मिलती है तो उससे आपका फेस थोड़ा सा ग्लोइंग लगता है और ऑटोमेटिकली ब्राइटन अप लगता है। तो अगर आप कोई ऐसा सीरम यूज करना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी, वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है, इजिली आपके फेस में अप्लाई हो जाता है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। 15 डेज तक मैंने इसे ट्राई किया है, मेरे फेस पे कोई भी एक्ने प्रॉब्लम नहीं हुई है, मेरा फेस एकदम ड्राई है, एक्सेसिव ड्राई स्किन है मेरी, इजीली मैं इसे अप्लाई कर लेती थी और उसके बाद एक बार भी मुझे कोई एक्ने प्रॉब्लम नहीं हुई है और कोई भी इचीनेस भी फील नहीं हुई। सो अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ प्रोडक्ट की। सो ये है वाव विटामिन सी फेस क्रीम। ये जो फेस क्रीम है इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है और इसकी इनर पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इस तरीके के टब में आता है, पूरा का पूरा प्लास्टिक पैकेजिंग है, और जब आप इसे ओपन करेंगे इसके ऊपर गोल्डन कैप है, जैसे आप इसे ओपन करेंगे इसके अंदर आपको एक व्हाइट कलर की एक और ये चीज दिखेगी, इसको आपको इसे पुश करना है, एंड इसमें थोड़ा सा ही पुश करने पे आपका प्रोडक्ट आ जाएगा बाहर। बहुत ही हाइजीनिक है ये, अगर आपको ऐसी चीजें पसंद है आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक है, बिल्कुल भी रनी नहीं है, और इजीली आपके फेस पे ये अप्लाई हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट लगता है। अगर बात करें कौन से स्किन टाइप के लिए है, तो वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप है, बट मैं रिकमेंड करूंगी अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप डेफिनेटली एक बार इसे ट्राई करके देखो, क्योंकि ऑयली के लिए थोड़ा सा हैवी हो सकता है। ऑयली स्किन के लिए मैं ज्यादा इसे रिकमेंड नहीं करूंगी, बट ड्राई स्किन वाले आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, इजीली आपके स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। अगर इसकी भी फ्रेग्रेंस की बात करें तो इन्होंने इसके ऊपर मेंशन किया है कि इसमें कोई भी सिंथेटिक फ्रेग्रेंस इन्होंने ऐड नहीं करी है, तो इसके जो प्रोडक्ट की नेचुरल फ्रेग्रेंस है वही इसमें आ रही है, तो इसमें जो ऑरेंज की फ्रेग्रेंस है वो बहुत कम है, तो आप डेफिनेटली अगर ट्राई करना चाहते हैं आप ये कर सकते हैं। इसका जो एमआरपी है वो है 599,
और इसमें आपको 50 ml क्वांटिटी मिल रही है जो आपके बहुत लंबे टाइम तक चल जाएगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और कोई नई वीडियो देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट में बताएं और उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम दे ताकि मैं उसको पर्सनली अपने ऊपर ट्राई करके देख सकूं एंड देन ऑनेस्टली आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करूं। सो मैम आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।